एक सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों ने में कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की कि और कहा, घर वाले को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनामिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वो अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनामिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनामिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अनामिका ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा प्रदा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक का भी इजाज़त नहीं थी। अनामिका ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अनामिका को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला लिया। अनामिका ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। अनामिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी। और इसी कसमकस में एक दिन अनामिका ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह बात पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता, यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों का दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती, पर एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षा पर कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। प्लीज़ ये कहानी अच्छी लगी।